बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को बहुत ही प्यारे कुछ अमल बताऊंगा, और रमज़ान में तो ये बहुत ही प्यारे अमल हैं। रमज़ानुल मुबारक में इन्हें कसरत से आप पढ़ा करें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी का एक एक मिनट कीमती है। एक मिनट में आप क्या कुछ कर सकते हैं? कम से कम 40 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, 40 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, और कम से कम 40 मरतबा सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाही व बिहम्दिही पढ़ सकते हैं, कम से कम 20 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली व बारिक व सल्लिम पढ़ सकते हैं, कम से कम 20 मरतबा सुबहानअल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं, कम से कम 15 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं, और कम से कम 15 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा 5 मरतबा, और कम से कम एक परेशान हाल को बआसानी तसल्ली दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर, बेशक एक मिनट भी आपके पास ऐसा है कि आप फ्री हैं, तो ज़रूर अल्लाह ताला का जिक्र किया करें। चाहे जो मर्ज़ी ज़बान पे आए, अल्लाह का नाम कोई आए या कोई भी दुआ आए, उसको ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपका वो मिनट ज़ाया ना हो, बल्कि आपके आमाल नामे में नेकियाँ लिखी जाएँ। मेरे इस मैसेज को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर पहुंचाना है, खुद भी इस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।